गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नई सुबह आज हो गई है। 6 तारीख भी तो 6 तारीख होगी ना। ये देखिए फॉरेस्ट की चौकी और ये पीछे जंगल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए जिम कॉर्बेट पार्क है। इधर से राइट साइड में जाऊंगा जहां हमारी कैरावैन खड़ी है। 44 किलोमीटर देहरादून सीधा 270 किलोमीटर है। हल्द्वानी 28 किलोमीटर है। नैनीताल है 37 किलोमीटर और पीछे ये सारा जंगल है बड़ा। तो बॉस, आज की सुबह बहुत मस्त हो गई है। गीता भी सो रही है। और सामने है चेक पोस्ट नया गांव। फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है और जो SOG का है, कार्यालय प्रभारी सुरक्षा दल, जहां हम रुके हैं। रामनगर वन प्रभार नगर। देखिए पेड़ों के पीछे जंगल के सूर्य देवता उदय हो गए हैं। तो पहाड़ों की सरलता देखिए आप। ये भैया, अभी तो मैंने नाम भी नहीं पूछा, भैया जी क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह मेहता। कुंदन सिंह मेहता। कुंदन सिंह जी, ये जा रहे थे, मैंने इनसे केवल दूध के लिए पूछा और इन्होंने कहा कि नहीं चलो, तो 1 किलोमीटर ले जाके मुझे वापस छोड़ के गए और दूध के लिए। सो थैंक यू कुंदन जी। ये है पहाड़ी, तो हमारे को जो एंट्रेंस पे ही पहाड़। रात को बॉस को दे दी थी खिचड़ी, तो अभी आ गए हैं। तो अभी गीता ने बिस्किट डाल दिए। हेलो हेलो, अरे इधर देख तो ले यार। हाय। तो गीता की रोटियों की तैयारी। आज सब्जी क्या बनाई है? ग्वार की फली, गर्मा गर्म। भाई पकड़ी नहीं जा रही है। और देखिए इस जंगल के किनारे पे, तो गीता का फ्रेंड आ गया है। भाई हमारे खाना खाने से पहले उसको भी खाना खिला दें। तो अब हम निकलने की तैयारी करते हैं। गीता का बस अब स्नान बाकी है, खाना वाना हमने खा लिया है। और देखिए यहाँ पे टैक्सेस डिपार्टमेंट की एक गाड़ी नजर आई, जो क्या शुद्ध हिंदी में लिखा और कहते ना कि क्यों निकले घर से, तो घर से हम नई संस्कृति और कुछ शब्द, तो उन शब्दों में से एक नया शब्द आज मिल गया है। ये देखिए, उत्तराखंड सरकार राज्य कर सचल दल हल्द्वानी। तो मुझे लगता है कि ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट की कोई चेकिंग वगैरह का कुछ होगा, पर तो सचल दल इज न्यू फॉर मी। तो बस ऐसे ही शब्दों को देखते रहेंगे, लोगों को देखते रहेंगे, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, और आगे चलते जाएंगे। फ्रेंड्स, सचल दल के बारे में आप बताइए कि क्या मिल। गीता आ गई है नाके और हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। गीता यहाँ से पानी भर रही है, ठंडा वोल्टास का देखो RO लगा हुआ है। और भाई लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करा है, सो थैंक यू आप लोगों का। मतलब रात कमीनी के पास रुके थे, इन सब ने हमें बहुत सपोर्ट करा है, थैंक यू। सो यहाँ से चलने की तैयारी है, भाई लोगों को धन्यवाद देते हुए। तो हम आ गए हैं कॉर्पोरेट फॉल क्षेत्र में, जहाँ पे एक फॉल है और यहाँ टिकट है, तो उस टिकट को लेके और फिर जैसे भी। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी। हेलो हाय हेलो। तो और यहाँ पे भी उत्तराखंड सरकार का थैंक यू। यहाँ शाहिद भाई थे, तो हमारे 100 रुपये गाड़ी के लगने थे, वो नहीं लगे। 2 जनों के हमें 50-50 रुपये देने थे। तो भाई साहब यहाँ पे भी हमारा सीनियर सिटीजन वाला काम हो ही गया ट्रैवलर का, कि जो 200 रुपये देने थे वो हमने नहीं दिए। और बस अब 2 किलोमीटर हमें ऐसे ही चलना है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में,
और फिर एक फॉल है, उस फॉल को देखेंगे, नहाना वहाँ मनाया ना, हम ऑलरेडी लिए भी, क्योंकि नहाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता यार, गंदा हुई नहीं, स्वच्छ आदमी हूँ तो क्यों ना हूँ। तो ये है इस तरीके से, हम एक बार देखते हैं उस फॉल को भाई। राजस्थानी है तो पानी तो जहाँ नजर आएगा हमारे लिए तो क्यूरियोसिटी रहेगी रहेगी बस। गीता को तो नजर आ रहे हैं मीठे नीम बहुत है यार, इसका क्या करें भाई। यहाँ कुछ लोग पिकनिक मनाने, ये देखिए यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, बस ये जंगल। और यहाँ पे गीता कह रही है शेर आ जाएंगे तो मैं उतर के फाइट कर लूंगा। भाई मैं तो दुबका रहूंगा गाड़ी में, ये ही फाइट कर सकती है। तो हम आ गए, अब यहाँ से शायद 200-300 मीटर 500 मीटर पैदल चलना है, और उस पैदल चलने के में कितनी कठिनाई होगी ये मेरे लिए शायद बताना मुश्किल होगा, अपन तो चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पेड़ गिर गया था तो पेड़ को काट के ही बहुत अच्छी इन्होंने सीढ़ी बना दी है। ये देखिए, हेलो लिटिल चैम्प, कैसा लगा आपको? हाय सर, कितना क्या टफ ऑफ तो नहीं है? देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ वुडन के ऐसे पुल भी पार करने को बनाए हैं, और पानी इधर से होता हुआ आ रहा है। ये देखिए गीता पुल पार कर रही है, तो कितना हिल रहा है गीता के चलने से। बच्चे ट्रैक, ये देखिए आपको अगर आवाज आ रही है तो आवाज ये पानी के झरने की है, अंग्रेजी में फॉल कहते हैं भाई उसको, हम तो झरना कहते हैं। झरने के नीचे जाना, पानी में उतरना प्रतिबंधित है बॉस। ये देखिए गीता है, चलो तुम गीता पिता जहाँ चढ़े वैसे नीचे हो जाएगा आगे वाला हिस्सा। देव तो ये आ गए हैं हम ऑलमोस्ट फॉल के पास, बस यहाँ से आगे जाने नहीं देते हैं, यहीं से फॉल का नज़ारा लीजिए आप। और भाई लोगों मुझे मोटिवेट करते रहना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा जैसा आदमी 3 साल के लिए निकला हुआ है। तो देखिए बस क्या नज़ारा है, रियली यार, हम राजस्थानियों के लिए तो कानों की चीज़ है। फॉल देखा तो सरमुत्रा के पास दमोह जगह है, अब पता नहीं है कि नहीं है, परंतु ये बात है 84 की, वहाँ पे दमोह में इससे भी ऊंचा फॉल था, तो वो मैंने देखा हुआ है। देखिए फॉल का पानी आया, और फिर ये पानी इस तरीके से हमें जो आगे मिला था बस जाता है। ये सारे बच्चे लोग, हेलो हाय, आप ये सारे के सारे इस फॉल को देखने आए, और गीता कह रही है कि मैं यहाँ पे कूदूंगी, तो भाई कूदे तो मत यार, पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब हमने किसी की मदद ली, किसी की नहीं, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, नेहा हमारी हेल्प कर रही है। और तो गीता है ना, गीता तो ये वाले हैं हम, और देखो फॉल कहाँ है, फॉल तो हमें नजर हो रहा, फॉल थोड़ा पीछे तो ये है फॉल पीछे। और गीता आ गई है अपनी पे, इसको पानी में कूदना ही है भाई, अब हम कैसे रोकें। गीता आ गई है पानी में, और पानी का लेवल हो गया ऊपर। गीता, गीता, ये गीता उतर गई है। तो ये जो फॉल का पानी है वो यहाँ पे आ रहा है,
तो गीता पानी में उतर गई है आखिर में। आखिर में क्या उम्मीद थी मुझे कि ये मानेगी नहीं। और जहाँ देखो यंगस्टर तो बस कूद जाते हैं पानी में। तो देखिए ये यंगस्टर की तो बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। हेलो हेलो हाय। ये देखिए यहाँ पे है बिल्कुल कुछ तो बात है जो लोग बाग इतना आ रहे हैं। लोगों मैं आंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ से जम करके बताए तो मैं इसको 100 रुपए दूँ। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे को जो योर चैनल है, माय चैनल नेम इज नागा एडवेंचर्स के मिले हैं और इन यंगस्टर से मुझे जो एनर्जी मिल रही है ये मेरे को मेरा मिशन कम्प्लीट कराएगी 11 डेज का। सो प्लीज़ कीप रॉक एंड सब्सक्राइब चैनल नागा एडवेंचर। थैंक यू सो मच। अगर चांस मिलता है तो विजिट करेंगे, नहीं है तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो अभी रामनगर रह गए, कहाँ से घूम के आ रहे हैं और 40-50% चांसेस बताते हैं कि जिप्सी वाला बता रहा था कि अगर जाते हैं 10 बार में से 4-5 बार दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। तो चांस तो लेंगे ही। कोसी बैराज स्थित पुल पर भारी वाहन ले जाना है प्रतिबंधित है भाई। ये देखिए बैराज है। तो हम आ गए यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहाँ पे टिकट्स वगैरह और सारा ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो यहाँ मिस्टर पांडे हैं, उनसे बात करते हैं एक बार, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पे थोड़ा सा ज़्यादा रश होता है तो ऑनलाइन बुकिंग ही प्रेफर करते हैं। और ऑफिसेस के बाहर बहुत सारी जिप्सियाँ खड़ी हुई मिल जाएगी और कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं हम ले चलते हैं, पर दो नॉट श्योर कहाँ ले जाएंगे, कहाँ है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, साइडिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं चाहता था कि ऑफिशियली सारा कुछ एक बार करूँ। पता नहीं क्या लोचा है ये लोग, तो प्राइवेट वाले तो ले जाने को तैयार हैं। अब वही है 7,000 के आसपास जिप्सी के मांगते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही किसी भी ट्रैक पे घुमा लाएंगे, क्या है आप ऑफिशियली साइट से लेके जाओ, आपको बताएं। तो हमने देखिए अभी तो रिफ्यूज़ कर दिया प्राइवेट वालों का, और 2-4 दिन बाद या विवेक जी आ जाएंगे तो एक बार वापसी पे इधर से होके देहरादून जाएंगे तो है, देखते हैं कैसे होते। देखिए क्या मस्त व्यू है। ये देखिए जिप्सी आए, बेसिकली जैसे हम टूरिस्ट प्लेस पे हैं तो जो टूरिस्ट प्लेस पे लपके बोलते हैं गाइड, वो है ये ले लेते हैं ऊपर की ऊपर और दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो भाई मैं तो नहीं गया हूँ, है पता नहीं। गीता आगे जाती जा रही है कौन सी दुकान पे, गीता ढूंढते ढूंढते आ गई है यहाँ पे। क्या ले रही हो? ये ओके। और तो शक्कर वगैरह शायद इसके कम पड़ गई होगी। वो देखिए ये हो गई है चढ़ाई चालू, हल्की सी, ऐसा नहीं कि बहुत, परंतु हाँ बस अब अगर आपको दूर देख रहे हैं सामने तो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बट बस हम चढ़ाई जो है वो चालू हो गई है। ये क्या लिख रहा है, नगर पंचायत काला दंगा आगमन पर आपका स्वागत है। यार हमारा सब जने स्वागत क्यों करते हैं, सारी जगह स्वागत ही स्वागत करते हैं।
फिर कई जगह ऐसा होता है कि पधारे हैं तो धन्यवाद है, तो हमारे को स्वागत और धन्यवाद इतना क्यों मिलता है भाई। देखिए हल्द्वानी 24 किलोमीटर पंतनगर हवाई अड्डा 53 और ये जगह है काला दूंगा ऐसा कुछ जगह है। हमारे बीकानेर वालों का नाम भाई यहाँ पे भी बीकानेर स्वीट। मारवाड़ी वस्त्रालय तो बस अपना तो फतेह ही फतेह है यहाँ मारवाड़ी ना काला दूंगी। तो हम आ गए हल्द्वानी से 12-13 किलोमीटर पहले और HP का पेट्रोल पंप है तो आपको पता ही है मैं HP से ही डीजल भरवाता हूँ। भैया कोई वो तो है ना, अरे यार इधर से क्यों फोटो वोटो के लिए तुम पीछे क्यों छुप रहे हो, फोटो वोटो नहीं चाहते हो? मतलब डीजल है तो बिल्कुल प्योर ना? चल तो डालो फिर ना। अरे करो बस आप तो लबालब करो, आप ऐसे मुंह छुपा रहे हो यार, क्या कोई घर से मतलब लड़की ने धोखा दिया है क्या करा है, है? क्या कोई घर वाले देख लेंगे ऐसे देख तो यार, बंदा शक्ल दिखाने को तैयार ही नहीं है, जरूर इसका कोई लड़की का लोचा है या और कुछ है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं MIT कैंपस और यहाँ पे हम जिनसे मिले वो हैं, मैं इनका नाम नहीं पूछूंगा मुझे पता है इसलिए, कमल जी। और कमल जी ने हमें यहाँ पे नाइट स्टे की परमिशन दी। ये सारे स्टूडेंट हैं धीरे धीरे आ जाएंगे तो सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कमल जी आपने हम जैसे लोगों को इतनी अच्छी जगह पे नाइट स्टे की स्वीकृति दी है। नहीं एक्चुअली हम लोगों को ऐसे कैंपस के लिए सिक्योरिटी वाइज और सारा चीज़ चाहिए थी और उसके लिए बिल्कुल हम रोड से 1.5 किलोमीटर है हल्द्वानी, यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर हो जाता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, पर तो हमें रात को रुकना था, फिर नाइट में हमें खाने वाने की नई जगह की देखने की थी। तो हमारा जो मिशन है 1111 दिन उसको एक दिन कम करने में कमल जी का बहुत बड़ा योगदान, सो थैंक यू कमल जी। तो देखिए आई लव MIET कुमाऊँ और मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक गर्ल्स हैं, इनके बीच में हम डिनर लेने जा। हमने खाई मस्त वाली खीर और यार ये आलू की सब्जी तो सच में बता रहा हूँ बहुत मस्त है एंड गर्मा गर्म दाल एंड चवाल, और सच में रोटी मेरे जो अंदर से आई है बहुत अच्छी आई है, गर्मा गर्म चपाती, तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए खाने में भाई, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, तृप्त बिल्कुल। और गीता तो छोड़ ही नहीं रही है, लगी हुई है बिल्कुल। गीता खाना ऐसा नहीं है भाई, अपना नहीं है तो इसका मतलब नहीं है ज़्यादा खाया जाए। ऋचा ऋचा ऐसे नहीं करो, ऋचा विश यू हैप्पी बर्थडे एंड मेरी बेटी है ना इसलिए, थैंक यू बेटा। तो आज देखो यहाँ पे आए हैं, ऋचा का बर्थडे भी मन रहा है। देखो MIT कुमाऊँ और यहाँ पे हम रात को मार रहे हैं मस्ती, तो खाना खाने के बाद आदमी को मस्ती चाहिए और ये बैठी है गर्ल्स और गीता है इनकी तरफ, मैं तो कॉमन हूँ, देखो मैं तो यार बिल्कुल इस मामले में हूँ और ये हैं बॉयज, तो बॉयज में है तो अब इनके बीच में चल रही है क्या अंताक्षरी। अब अंताक्षरी में 15 मिनट आधा घंटा जितना मुझे नहीं पता कितना चलेगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे करें भाई? बर्थडे बॉयज,